ये हमारे पास रेड पाम है। इसकी वैरायटी में थोड़ा सा अंतर है, तो मेरे पास गमले नहीं हैं इसलिए मैं, और जगह भी कम है इसलिए मैं सोच रही हूँ इन दोनों को एक बड़े प्लास्टिक के पॉट में लगा दूँ। और मैं लगा रही हूँ, ये रूट बाउंड भी हो गए थे, इनकी रूट भी सही से होकर बढ़ेगी और ये बड़े पॉट में आराम से ग्रो करेंगे। आप देखें, इसकी रूट बहुत बुरी तरह से बढ़ गई थी। ये दोनों एक प्लांट, एक मिलती जुलती वैरायटी के प्लांट हैं और मैं इनको दोनों को अलग अलग थे इनको मिलाकर एक जगह लगा रही हूँ। आप इनकी रूट देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से बड़ी हुई हैं और इसकी रूट को सही करके ये लगा रहे हैं। देखिए हट गई रूट, अभी छोटा हो गया, अभी मैं दूसरा पेड़ निकालूंगी। इसकी रूट इतनी ज़्यादा बड़ी हुई थी। अभी एक और प्लांट है, ये भी मिलता जुलता है, इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई है, ख़राब ना हो वो निकाल दूंगा। छोटे गमले में लगा देना, हो गई वैसे कटिंग कटिंग सारी। ऐसी खेजली ऊपर को उठा के इसका बाउल ऐसे रुक तो जाए। सूखे हुए पत्ते हटाने के बाद अब ये इसमें से निकालेंगे रूट बॉल। देखिए ये हट गया, और इसके रूट बॉल में देखें, दिखाना ज़रा रूट बॉल, ये देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर रूट्स बड़ी हुई हैं, जगह कम थी, अब ये खुलकर बढ़ेगा। अब दूसरे पेड़ की रूट्स हटाने की तैयारी है, ये हटा रहे हैं दूसरे वाले पाम की जड़ को। देखिए ये हटा दी तकरीबन, इसकी रूट बॉल्स निकल आई है और ये जो फालतू है इसका जड़ उसको काट देंगे। अच्छी वाली मिट्टी मिलाई है और अब ये रख रहे हैं इसके नए पॉट के अंदर। इसका नया घर तैयार है, ये है इतना बड़ा पॉट और ये है हमारा पाम। इसमें कुछ मत रखी गिट्टी विट्टी, अब ये डालेंगे इसमें मिट्टी और हो जाएगा हमारा पाम तैयार। ये पड़ गई है इसके अंदर मिट्टी, अब रखी जाएगी बॉल, रख दी थी। कटिंग है ये शायद, ये कटिंग
अभी और मिट्टी पड़ेगी। ये हमारे दोनों पाम रख गए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक रेड है एक ग्रीन है। हो सकता है धूप की वजह से हो कलर, क्योंकि एक छाई में था और एक धूप में था। हो सकता है इसका कलर अब एक सा हो जाए, और हैं बिल्कुल एक से ही एक से हैं। अब इसमें मज़ीद मिट्टी पड़ रही है, ये बड़ा पॉट हो गया। अब इसमें खुलकर बढ़ेगा और लंबा हो जाएगा। अभी मिट्टी और पड़ेगी इसमें, लेने गए हैं मिट्टी। अभी इसको फिर से भरेंगे, जो कमी रह गई है इसकी पूरी करेंगे। बस ज्यादा नहीं डालो, पानी जब पड़ेगा तो ये मिट्टी और ज़्यादा अंदर को दब जाएगी, एयर पॉकेट्स बंद हो जाएंगी। ये तो है। ये हमारा पाम का पेड़ तैयार हो गया। लाइक माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।